नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं महाराष्ट्र की कुछ खास खबरों की। नागपुर के काटोल में साहित्य रत्न अण्णा भाऊ साठे की 104वीं जयंती मनाई। काटोल आरएम सिटी के नाम से मशहूर जिले की बड़ी तहसील काटोल में साहित्य रत्न अण्णा भाऊ साठे की 104वीं जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गयी। साठे जी का 1 अगस्त 1920 को सांगली जिले के वाटे गाँव में उनका जन्म हुआ। बचपन से भूख और गरीबी के साए में रहते हुए उन्होंने दलित वंचित शोषित वर्ग के लिए कार्य किया। अपने जीवन काल में अण्णा भाऊ साठे ने अनेक उपन्यास, कादंबरी, पोवरा, फकीरा जैसे उपन्यास लिखे। रसिया में उनको सम्मानित किया। जयंती के अवसर पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया। समाज सेवियों ने रक्तदान किया। इस अवसर पर आयोजन समिति के अध्यक्ष संजय कावले, मुख्य अधिकारी बोरेकर साहेब, जीवन गायकवाड संजय कचेवर, अमोल खडसे, नरेश वानखेड़े, अमोल तांदुलकर, मोनू कावले सहित सभी सामाजिक बंधु, नगर के गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। काटोल तहसील रिपोर्टर सुरेश अरागले की रिपोर्ट। या गाँव मध्ये झालं, ज्या माणसाने दीड दिवस शिक्षण करून या देशामध्ये एक मोठं समाजकारण राजकारण घडवलं, असे हे लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे एक महान साहित्यिक होऊन गेले। वाटे गाव ते मुंबई पायदळ जाऊन त्यांनी अक्षर फिरवले आणि अक्षर समाजामध्ये जागृती निर्माण केली आणि मोठमोठे पुस्तक त्यांनी लिहिले। नारायण माने क्रीडा आहे, वैजयंता आहे, वारणेचा वाघ आहे आणि त्यानंतर वैजयंता आहे। याप्रमाणे त्यांनी